सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे दादाजी का है और मेरी दादी का है और मेरे तो ये देखिए बच्ची काफी भावुक हो चुकी है अपने पेरेंट्स का योगदान बताते हुए। देखो सीकर जसू शिक्षा नगरी बने हुए जसू सीकर सू एक को बड़र एक डॉक्टर्स और इंजीनियर्स और सरकारी अधिकारी निकल रहे हैं और खासकर सीकर के मायनों की जगह बच्चा निकल रहा है। सबसे बड़ी बात है कि एक ये गाँव सू या छोटा मोटा कस्बा की गलियां के मायनों ये टाबर जगह है डॉक्टर्स बन रहा है। ये हमारे साथ एक वंशी का चावला है जिकी हेठे लक्ष्मणगढ़ के मायने रहे और बेटा जिसको बार थारी जी रैंक है पहले तो बी के बारे में बताओ सर। मेरी ऐसी कैटेगरी में ना 1640वीं रैंक का और ऑल इंडिया रैंक 60,000 है। 60 तो अच्छा अब दूसरी कोचिंग खत्म करी प्रिंस पीसीपी। पहले तो मैं ना बताओ कि थे जिसको डॉक्टर की बन रही हो तो एक मायने सौ बढ़िया मोटिवेशन और ओके को हाथ था। सबसे बड़ा मोटिवेशन मेरे दादाजी का है और मेरी दादी का और मेरे पेरेंट्स वो भी बहुत सपोर्टिव थे और पूरी मेरी फैमिली वो भी बहुत सपोर्टिव थी और मेरे दादाजी ना वो हमेशा से चाहते थे कि मैं कुछ बड़ा करूँ पर ना लास्ट। तो ये देखिए बच्ची काफ़ी भावुक हो चुकी है अपने पेरेंट्स का योगदान बताते हुए। तो इनके दादी जी भी साथ है तो दादी जी आप ये बताओ कि पोती जब आप बन गई डॉक्टर बन रही थी तो किशोक लाग रही हो थाने बहुत बढ़िया लाग रही हो बहुत बढ़िया लाग रही हो। दादी जी भी काफ़ी भावुक है। एक तो बताओ चावला साहब की थे पीसीपी कमाई नहीं बच्ची ने क्यों भेजी। मैं इन्हें 2-3 कोचिंग कमाई भेजी डेमो के लिए। अच्छा अच्छा लेकिन बी के बाद में मारे ये समझ में आई कि पीसीपी है जी सबसे बेस्ट है और पीसीपी का और भी एक दो बच्चा आज का सब डॉक्टर निकले हा। हाँ। ना मारे मन में आ गई ना पीसीपी में जब मारे यहाँ होगी कि जोगेंद्र जी सुन रहा है कि पीसीपी है तो वह बच्चों को बहुत स्पेशल ध्यान रखे और माने जितनी भी सुविधा चाहिए ने वह माने आ बोलिया कि थाने जितनी भी सुविधा चाहिए जी हिम्मत थाने दिशू ना मारो भी कमा जी सोरो को मेहबा ने बोलिया मैं मध्यम परिवार का गरीब परिवार में आ तो जितनी मारी हेल्प करो जना वह बोलिया थे बच्ची ने भेज दो और जितनी भी थाने चीज चाहेगी जी हिम्मत दूंगा जना भाई मारी एकदम से खुश होगा भाई चीज़ से और मारी बच्ची को भाई स्पेशल ध्यान रखियो बिना एक्स्ट्रा क्लास दिलाई और बिना जितनी भी तकलीफ आई ने बिना शाम के बुला कर एक्स्ट्रा गुरुजी ने बुला कर भी की पूरी व्यवस्था करी जिसे आज मारी बच्ची है जिसकी डॉक्टर बने। तो चावला जी क्योंकि पीसीपी देखता ही इतना बड़ा ग्रुप ने देखता ही पहले हिम्मत टूट जाए कम आया आड़ा की यार आप पता नहीं अठा को खर्चो उठा सियाँ उठा पा सियाँ को नहीं उठा पा सियाँ वो मतलब थे जोगेंद्र जी हूँ या पीस जी हूँ मिलता ही था क्या मतलब बाकी बात के लिए रुकी है। मतलब मैं तो जोगेंद्र जी को नाम सुन रहा मिलिया मन जोगेंद्र जी को निया दूसरा आदमी मिलिया मैं तो बोलिया कि जोगेंद्र जी सुन रहा जी मैं कोठियारी में पढ़ता ने जब से मैं बन जानता मारे भाई साहब का साड़ा गोवर्धन जी सांखला खातर का बे और जोगेंद्र जी साथ पढ़िया करता जना भाई आई बोलिया कि कद भी थारा बच्चा अगर तरक्की करे तो थे मार के ना जियो जना बाद में मैं है जखा एक नंबर आयो जना अच्छा कोचिंग में गया बी के बाद में पीसीपी माने सबसे बेस्ट लगी और पीसीपी में जाता नहीं जखा भाई बैठे है ना काउंटर पर बे माने बोलिया कि थारी बच्ची है एक बार भी 90% 91% था तो बे बोलिया कि थे भी ने भेज दो जब थे घबराओ मता अता बड़ा ताम जान दे देकर मैं जार भी मैं बढ़िया करना ए सी आ सी यहाँ को माहौल देखियो कि मैं ये घबरा का कि घबरो कत्ती फीस होएगी आपा वो काम कर को नहीं सका। फिर बाद में मैं अंदर गया ना जना मारो जीसो रो जाकर देखिया जना के वास्तव में माने सके ये अलगो बर्ताव करियो वह कि माने बेरो को पटन दियो का आपा घर आया हाँ आपा आप श्री में परिवार का से बात कर रहे हैं हाँ कि कोई मतलब कोई मास्टर से बात कर रहा तो पहली एग्जाम का मायने हुई या पहली में फर्स्ट में फर्स्ट में हाँ क्यों तो गुरुजना को साथ तो क्यों आप बहुत मेहनत करी अरे क्यों एक दादाजी को आशीर्वाद दादी दादा को आज मारे मन में सपनों हो कि इन्हें डॉक्टर बनावा तो आ डॉक्टरी के मान। अच्छा दूसरो ओ जो यहाँ थंगड़ो जो को मोहल्लो है इम मन लगे कि सगड़ा अल्प आय वर्ग का लोग ही है तो मैं बार पीछे मैं बारह आया जाना एक ताऊ जी बैठे आ तो वे भी बड़ा खुश था अरे भाई यहाँ जावा के बोलियो वाली तो बढ़िया बन गई माड़ी पोती की बन जावे बड़ा राजी आवे और बोलियो कि माँ को तो एक तरह से बुढ़ापू सुधर गयो दवाई दुवी ले बातें कठिन जानो कौन पड़े तो सगड़ा राजी है। और मोहल्ला कमाई ने यहाँ कहीं प्रतिक्रिया लोगों की मोहल्ला में सब है जगह कॉन्ग्रेचुलेशन दे रहे हैं बधाया का ताता लाग रहे हैं आ आकर सब बधाई दे कर जा रहे हैं कि बेटा बहुत बढ़िया नाम रोशन करियो आज है जो तू तेरा दादाजी को तेरे ऊपर बहुत आशीर्वाद हो तो तू बहुत है जो तरक्की करेगी और तू तरक्की करेगी तो मारे भी सुविधा मिलेगी माने। अच्छा बेटा जी
आज की थे नीट वगैरह की एग्जाम दो की तैयारी करो, तो एक मायने सबसू जी भूमिका बड़े कोचिंग का मायने निभावे जी, मान लो डाउट काउंटर्स है, टेस्ट सीरीज है, तो बेकियन का वहाँ का शेड्यूल बहुत अच्छा था। मतलब वहाँ पर ना क्लासों के साथ पूरे दिन की भी ना अच्छी प्लानिंग मिलती थी। तो अभी आपको कोई कॉलेज अलॉट हुई है अभी अभी होने? नहीं, मतलब अभी काउंसलिंग स्टार्ट हुई नहीं, अभी हुई नहीं है। हाँ, तो क्या लगता है तुम्हारे रैंक के हिसाब से कैसी उम्मीद कर रखी है कि कैसी कॉलेज मिलेगी? SPMC, RNC, SMS में चांस बता रहे थे, किसी से पूछा था काउंसलर से कोचिंग के, तो उन्होंने बोला कि SMS में चांस है लेकिन फिक्स नहीं है अभी तक, लेकिन हाँ वो बीकानेर वाले डॉक्टर SPMC वो मिल जाएगी आराम से। अच्छा, ये बताया कि ये जैसे अपन बच्चे तो होते हैं, जब बच्चे सब्जेक्ट चुनते हैं वो तब सोचते हैं मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, तो ये डॉक्टर बनने की जो उड़क है मन के अंदर, ये इच्छा है, ये किसने जगाई? किसने जगाई? ये मेनली तो 11th के बाद में हुआ था, मेरा कोई बचपन का सपना नहीं था डॉक्टर बनना है। बस 11th के बाद में बायो ली, फिर बायो में फिर 12th में अच्छे मार्क्स बने, और फिर टीचर्स वो सब ऐसे बोलते थे, मतलब नीति होती है बायो में, तो वैसे उसके बाद में हुआ, लेकिन ऐसे नहीं था कि बचपन का सपना है, ऐसा कुछ नहीं था मेरा। हाँ, दादाजी वो बोलते थे 11th के बाद में तो ये वंशिका चावला थी जिसका नीट के अंदर सिलेक्शन हुआ है, PCP के स्टूडेंट रही है, और खास बात यह है कि ये मध्यम आय वर्ग वाले परिवार से हैं और एक बड़े इंस्टीट्यूट के अंदर इन्होंने शिक्षा ली। इनका कहना है कि हमें लगा ही नहीं कि इतने बड़े इंस्टीट्यूट का हम आर्थिक बोझ, वहाँ के जो मैनेजमेंट है उन्होंने हमारा बहुत सहयोग किया, और उसी का परिणाम है कि बच्ची आज डॉक्टर है। धन्यवाद।